सबसे पहले रीना जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। दिल्ली के हालात को देखते हुए आज सीएम ने रिव्यू मीटिंग ली थी, क्या आपको लगता है किस तरह के स्टेप्स उठाए जाने की जरूरत है? आपकी सरकार का क्या मानना है दिल्ली के हालात को बेहतर करने के लिए? तो दीपक जी, आज जैसा आपने कहा, सीएम केजरीवाल जी ने एक हाई लेवल रिव्यू मीटिंग ली, और जब से कोरोना, पिछले एक साल से सीएम लगातार ये मीटिंग्स लेते आ रहे हैं, वो डायरेक्टली पूरे उस पर पूरी सिचुएशन का जायज़ा लेते हैं। आज की तारीख में करीब 3524 केसेस आए हैं पिछले 24 घंटे में, और पर्याप्त बेड मौजूद हैं, 75,000 वैक्सीनेशन करीब कल हुए हैं। तो जैसा कि मैं पहले भी आपके टीवी चैनल पर बोल चुकी हूँ, कोरोना के दो पहलू हैं। एक ये कि जो आम आदमी, आम औरत क्या कर सकता है, दूसरा सरकारें क्या कर सकती हैं। और अब एक साल का जो अपना एक्सपीरियंस है, उससे ये साफ जाहिर है कि हमें कोरोना के साथ रहना जीना पड़ेगा। तो उसके लिए मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग, हाथ धोना, वो सब करना पड़ेगा। और दूसरा, सरकारों को जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मजबूत करना पड़ेगा, वैक्सीनेशन की जो हमारी जो स्पीड है उसको बढ़ानी पड़ेगी। और आज भी सीएम साहब ने ये फिर से एक बार दरख्वास्त करी कि हमें जो वैक्सीनेशन है वो 18 साल से ऊपर सबके लिए खोल देनी चाहिए, क्योंकि अगर आप देखें तो वैज्ञानिकों का मानना ये है कि हर्ड इम्यूनिटी रियलाइज करने के लिए आपको 70% लोग अपने वैक्सीनेट करने पड़ेंगे। जिस रेट पे हमारा वैक्सीनेशन चल रहा है, तो हमें अगले 10 साल लग जाएंगे 70% लोगों को वैक्सीनेट करने के लिए। अब अगर जब देश में इतनी अच्छी तादाद में हमारे पास वैक्सीन है, हमारे पास हेल्थ वर्कर्स हैं जिनका बहुत ही एक्सपीरियंस रहा है। अभी आप देखिए, जनवरी में पल्स पोलियो प्रोग्राम हुआ था, 3 दिन में 10 करोड़ बच्चों को पल्स पोलियो की दवाई दी गई थी। तो हमें उसी मुस्तैदी और उसी रफ्तार के साथ जो है कोरोना की वैक्सीनेशन को बढ़ाना पड़ेगा। नहीं तो ये इस चक्कर में कि हम कुछ लोगों को अलाउ कर रहे हैं, कुछ को अलाउ नहीं कर रहे हैं, तो वैक्सीनेशन की रफ्तार जो हमारी बहुत स्लो है। और आज की तारीख में सीएम साहब जैसा कह रहे थे कि हमारा मानना यह है कि लॉकडाउन सॉल्यूशन नहीं है, हमें वैक्सीनेशन बढ़ानी पड़ेगी, हमें हॉस्पिटल बेड्स बढ़ाने पड़ेंगे, और आपको और हमें सबको मिलके जो कोविड प्रोटोकॉल है वो फॉलो करना पड़ेगा। यही कोरोना को मात देने का एक तरीका है। ठीक है रीना जी, आपने महत्वपूर्ण बात कही, 18 साल से ऊपर सभी के लिए वैक्सीन खोल दें।